इस आने मैंने बस 2 एपिसोड ही ला के लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। और तो और इसका लोग 3 साल से वेट कर रहे थे और अब ये सेकंड रैंक लेकर बाकी आने में इसको पीछे करते जा रहा है। और वो आने में है वन एंड ओनली सोलो लेवलिंग। और इस आने में इतने गहरे राज हैं कि इस आने में ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो चलो यार मैं उन्हीं सीक्रेट्स को आज बताऊंगा। और एक वोट चैनल पे हुआ था जहाँ पर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कार्टिनियन टेम्पल की हिस्ट्री को वोट किया था। और इस वीडियो में आप कुछ और चीजें भी जानेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, तो एक स्पॉयलर अलर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ये डंजन जहां मेन कैरेक्टर और उसके साथ ही फंस गए थे वो किसका था, और वो किंग कौन था जो क्रीपी सा स्माइल देता है, एंड उस डंजन का क्या मोटिव था। वेल वो ये स्टैचू एक परफेक्ट रेप्लिका था द एब्सोल्यूट बींग का। अब ये एब्सोल्यूट बींग कौन है, तो तुम लोग इसे मोस्ट पावरफुल किंग मान सकते हो। ऐसा कि इससे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। सो अगर तुमने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो उस डंजन में एक स्टैचू था जिसके पास वो विंग्स थे और वो रूल्स का टैबलेट लेके खड़ा था। तो वही है आर्किटेक्ट जिसने ये डंजन बनाया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जो शैडो मोनार्क की पावर्स को इनहेरिट कर सके, यानी कि उसकी पावर्स को ले सके। अब देखो शैडो मोनार्क एक पावरफुल बंदा है जो एब्सोल्यूट बींग के बाद सेकंड नंबर पे आता है, और उसकी पावर्स को अब हमारा करेक्टर यूज करेगा। उस आर्किटेक्ट को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो बहुत कमजोर हो और फिर उसे ताकतवर बनाया जा सके। और इस सोलो लेवलिंग की वर्ल्ड में आपकी पावर्स का लेवल तो उतना ही रहता है, लेकिन आप अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हो। पर हमारा जिन वो अकेला ऐसा बंदा होगा इस एनिमे में जो कि अपना लेवल अप करेगा एस लेवल या उससे भी ऊपर। आर्किटेक्ट ने इस पूरे डंजन को एक गेम की तरह डिजाइन किया ताकि जो भी इनहेरिटर हो वो धीरे धीरे शैडो मोनार्क की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। और धीरे धीरे इसलिए क्योंकि अगर वो डायरेक्ट या सडनली पावर ट्रांसफर करेगा तो इनहेरिटर मर भी सकता है। और इसलिए हमारा जिन हो डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके मॉन्स्टर्स को मार के अपने पावर्स का लेवल अप करते जा रहा है। और इसलिए सीरीज का नाम है सोलो लेवलिंग, क्योंकि जिन वो अकेले ही अपना लेवल अप करते जा रहा है। सो आई होप कि आपको कार्टिनियन टेम्पल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब मैं चलता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो बाय बाय।